धनबाद कोल बोर्ड एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में दो गुटों में विवाद के कारण बीसीसीएल कर्मी परेशान हैं। उनके कई काम बाधित हो रहे हैं। कार्यालय में ताला बंद होने की वजह से कर्मी घूम कर चले जा रहे हैं। इसे लेकर सोसाइटी के निवर्तमान सचिव अरविंद कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष अर्जुन सिंह और अन्य कार्य समिति के सदस्यों के द्वारा सोमवार 20 जून को जगजीवन नगर स्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि पूर्व अध्यक्ष गणेश भुइयां समिति के कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य उमेश कुमार और कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य अब्बास मियां और समिति के प्रभारी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी धनबाद प्रखंड देव शंकर प्रसाद की मिली भगत से एक षड्यंत्र के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी कार्यालय में बीते 2 जून को ताला जड़ दिया गया और फर्जी तरीके से ये सभी मिलकर 4 जून को सोसाइटी से 9 लाख रुपये की निकासी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निष्कासित कर्मी राजेश बक्सी, चंदन कुमार पाठक, अजय कुमार सिन्हा, एसआर सिन्हा के खाते में राशि को स्थानांतरण कर गबन कर लिया गया है। इतना ही नहीं, निबंधक सहयोग समितियां झारखंड रांची के द्वारा समिति के सचिव पद से अरविंद कुमार सिंह और कार्यकारिणी सदस्य पद से मीरा देवी को निष्कासित कर रिक्त पद पर निर्वाचन कराने का आदेश के साथ अपने द्वारा अवैध रूप से निलंबित कर दिया गया है और अपनी ओर से प्रबंधन समिति को बहाल किया गया है। सोसाइटी के निवर्तमान सचिव अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा 20 अप्रैल को आदेश पारित कर रिक्त पद पर कराए जाने वाले निर्वाचन पर रोक लगा दिया था। उन्होंने कहा कि इसे लेकर जिला प्रशासन और न्यायालय में हम सभी जाएंगे। फर्जीवाड़ा ढंग से 8 आदमी मिल करके अपने में सचिव चुन लिया गया गणेश भुइयां की अध्यक्षता में और फर्जी ढंग से सिग्नेचर करके स्टेट बैंक के खाता से 8,52,867 रुपया दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि इसकी जानकारी किसी भी सदस्य को नहीं है। कोई भी सदस्य को विगत 10 महीना से अक्टूबर से आज तक 1 रुपये का लोन नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जिनका हिसाब किताब भी लेने आता था जो लोग, उनका हिसाब किताब भी बंद है, क्योंकि अध्यक्ष के नेतृत्व में आके 8 आदमी और समिति में तालाबंदी 2 जून को कर दिए, जिसके चलते आप देख रहे हैं सारे कर्मचारी भी बाहर हैं, हम लोग भी आते हैं तो बाहर से जो भी सदस्य आ रहा है बाहर से घूम के जा रहा है, जो सेवानिवृत्त हो रहा है या जो अपने हिसाब जानने आता है उसका भी कोई काम नहीं हो रहा है। और एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने 2 जून को तालाबंद किया है और 4 जून को स्टेट बैंक में जा करके पैसा के लिए मतलब सिग्नेचर करके देखिए ऐसा करके 21 हुआ, एक दिन में ही 21 को ट्रांसफर हुआ है। ये 21 बना है, 21 बना के फोटो दीजिएगा। 2 जून को कौन किसके आदेश से बंद हुआ? अपने अपने लिख के बंद किया गणेश भुइयां और सगरो लिखित दे करके, लिखित दे करके ताला बंद कर। उसके बाद हम लोग का जो 10 कार्यकारिणी सदस्य है वो लोग भी लिखा, कर्मचारी लोग भी सगरो लिख के दिया, सदस्य लोग भी सगरो लिख के दिया, लेकिन विभाग के तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं किया गया। कोई भी ऐसा कोई भी आदमी होगा कि कोई किसी के घर में ताला बंद कर देगा? इसका मालिक 4,500 शेयर होल्डर है जो सब मालिक है, कोई अध्यक्ष या सचिव किसी एक आदमी का पावर नहीं है कि कोई आकर पूरे समिति को ताला बंद कर दे। और इन्होंने मैंने जान बूझ करके इस तरह से करा, ऐसे ही इन्होंने फर्जी ढंग से त्याग पत्र दिवा दिया जिसमें 5 आदमी लिख कर दिया कि भाई हम लोग गलत ढंग से साइन करा है, हम लोग त्याग पत्र नहीं दिए हैं। इन्होंने जब त्याग पत्र दे दिया, इनको समिति द्वारा त्याग पत्र स्वीकार भी कर लिया गया, फिर किस आधार पर ही अपने आगे बोलते हैं कि हमको बहाल हो गए? जब हम त्यागे पद दे दिए तो हमको कोई बहाल करेगा तो हम आ जाएंगे? जब हम खुद कह रहे हैं कि भाई हम त्याग पत्र दे रहे हैं और हमको खुद त्याग पत्र दिए, हम लोग तो त्याग पत्र दिए नहीं करके, ठीक है हम लोग को, हम लोग न्यायालय के शरण में गए, हम लोग का न्यायालय में मामला चल रहा है कि सचिव के मीरा दीवार देवी का मान ली कि निबंधक महोदय ने निष्कासित किया, चुनाव का अनाउंस किया, ठीक है उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाया, मामला न्यायालय में है, न्यायालय के विषय में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।